ओम शांति। आज हम सभी भारत देश का झंडा लहराने जा रहे हैं आचार्य के अमृत महोत्सव के निमित्त। 76वां अमृत महोत्सव है। 76 सालों में भारत स्वतंत्र हुआ। अनेक महावीरों ने इस भारत देश के लिए अपने प्राण त्याग किए, जैसे भगत सिंह, सावरकर, लक्ष्मीबाई, ऐसे अनेक हैं कि जो शहीद बन गए भारत को स्वतंत्रता दिलाने। इन सभी ने बहुत त्याग भी किया, घर बार का भी त्याग किया, भोजन आदि का भी त्याग किया, सारा जीवन देश की सेवा में लगाए। ऐसे जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में लगाया, ऐसे महान विभूतियों को हम सभी प्रणाम करते हैं। और आप सभी को भी आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम देखते हैं कि भारत देश सभी देशों से महान देश है। इसी भारत में चरित्रवान, नैतिकता, इन सब का हमें संरक्षण करना है, इसी में अंगुली देना है। चरित्रवान बनने में, नैतिकता को बढ़ाने में, तो ये नैतिकता और चरित्रता कैसी आएगी? आध्यात्मिकता से आएगी। जितने हमारे अंदर आध्यात्मिकता होगी, आत्मिक विचार होगी, उतना ये भारत में, भारत देश चरित्रवान बनेगा। और एक समय आएगा कि ये भारत स्वर्ग बन जाएगा, देवी देवताओं का राज्य होगा, चारों ओर खुशहाली होगी। वो समय दूर नहीं, नजदीक ही है। इसलिए हम कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था और बनेगा। तो परमात्मा वो कार्य बहुत बड़ा कर रहे भारत को स्वर्ग बनाने का। तो भारत में तो घर घर में झंडा लहराया गया, आज हमें झंडा लहराने जा रहे। तो सभी को इसकी बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। आज हम सबको पता है कि 15 अगस्त भारत आजादी को आज 76 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस आजादी के लिए अनेक वीर जवानों ने अपना बलिदान दिया और भारत को स्वतंत्र करने में काफी मदद की, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह आदि ऐसे महान लोगों ने अपना जीवन अर्पण किया और भारत को स्वतंत्र किया। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता होकर के तो इतने साल पूरे हो गए, फिर भी आज हम विकारों के गुलामी में जी रहे। तो हमें साथ साथ आज के दिन इस आजादी महोत्सव के दिन हमें विकारों से संपूर्ण मुक्त होने का भी दृढ़ संकल्प करना है। तो सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। अभी सबसे पहले ध्वजारोहण होगा। भारत का झंडा अपने देश की शान है, देश का गौरव है। तो हम सभी का फर्ज बनता है कि हम अपना ध्वज लहराएंगे, भारत का ध्वज लहराएंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय ओम शांति। ये ध्वज हमारे भारत की शान है और इसी ध्वज के नीचे आज एक कुमारी डांस लेकर के आ रही है कुमारी डिंपल।
हमारा भारत देश आध्यात्म प्रधान देश है और इस झंडे में जो तीन कलर है उसका भी बहुत बड़ा रहस्य है। जो नीचे हरा कलर दिखाया है तो हरा कलर अर्थात हरित क्रांति, जो भारत देश भरपूरता का प्रतीक है हरा भरा, और सफेद कलर ये शांति का पवित्रता का प्रतीक दर्शाता है, और ऊपर जो गेरुए कलर अर्थात तपस्या का और आध्यात्मता का प्रतीक बताया है। तो ऐसा भारत देश का ये जो झंडा है ऐसा झंडा और कोई देश का नहीं है, तो हमारे भारत की बहुत बड़ा गौरव है। आज इस भारत देश के आप जो सभी 15 अगस्त के दिन, आज तो हम 16 तारीख को मना रहे हैं लेकिन 15 तारीख को सभी ने जगह जगह पर घर घर में ये ध्वज लहराया, और इसी भारत देश के उपलक्ष्य में 2 शब्द कविता मैं सुना रही है, मैं निवेदन करती हूँ कविता में। देखो हमारा भारत देश तो स्वतंत्र हुआ ही है, लेकिन जो भी हमारे थोर जो भी वीर है उन्होंने अपने प्राण की तो बलिदान देकर अपने देश को अंग्रेजों से मुक्त किया है, लेकिन देखा जाए तो हम अपने सच्ची स्वातंत्र तो हमें मिली नहीं है हमारे जीवन से। हम देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने कोई ना कोई बंधन में फंसा ही है ना, अपने विकारों के आदि। इसे शिव बाबा भी आकर हमें कह रहे हैं कि हमें 5 विकारों का भी हमें क्या करना है, बलिदान देना है। जब हम अपने 5 विकारों को ही दान में दे देंगे, उसका ही अंत कर देंगे, तो हमें सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी, और जब हमारा पूरा विश्व ही सोने की चिड़िया बन जाएगा। बस हम नीति बोलते हैं कि रात रात पर सोने की चिड़िया, लेकिन फिर से वो हम ही लाएंगे। बस हम सबको मिलकर यही काम करना है कि हमारे विकारों को ही छोड़ के हमारे अंदर सुख शांति आनंद यही हमें लाना है, और फिर हर जगह हर विश्व हर घर स्वर्ग बन जाएगा, घर मंदिर बन जाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कविता बहन। अभी विजय भाई अपने देश के प्रति अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं, मैं निवेदन करती हूँ विजय भाई। ओम शांति। सबसे पहले तो जो सारे विश्व का पिता है और इस भारत माँ के सर पर उस सर्वशक्तिमान ने ताज रखा है जिसका गायन आज तक होते जा रहा है, तो ऐसे सर्वशक्तिमान विश्व के पिता का भारत माता के साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। बहुत अति सूक्ष्म बात है, बहुत वीरों ने इस भारत के लिए कुछ किया, और उससे भी ज्यादा गायन भारत माता का है। क्यों ये किसी को पता नहीं कि ये माता का क्यों गायन है। इस संगम युग पर जो मम्मा है उसने देह रूपी पिंजरे में रहकर सदा आजाद रही और विश्व के पिता का इतना नामाचार किया, इतना त्याग किया, जिसका आज भी गायन भारत माता के रूप में होता है। तो सर्वप्रथम तो यही है आज के दिन जो आजादी का मनाने का जो सच्चा महोत्सव है कि हमको अपने देह रूपी पिंजरे से आजाद रहना है। आजाद पंछी आत्मा हमारी जो है सदा इस पिंजरे से आजाद रहे। तो मैं 2 लाइन भारत माता के लिए सुनाऊंगा। है भारत से मुझे प्रीत सदा, है भारत से मुझे प्रीत सदा, मैं गीत भारत में गाता हूँ, मैं लाल हूँ भारत माँ का, जय भारत माँ की कहता हूँ। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। जब इस भारत में नारी को नरक का द्वार कहते हैं, तब ब्रह्मा तल में शिव आकर नारी को ऊंच उठाते हैं। यह मीठी प्यारी मम्मा,
यह मीठी प्यारी मम्मा भारत की माता बनती है। मैं लाल हूँ भारत माँ का, जय भारत माँ की कहता हूँ। बोलो भारत माता की जय। ओम धन्यवाद। अभी सभी स्टेज के पास आकर के बोली देंगे लाइन से, पहले भाई लोग आएंगे फिर माता आएंगे। फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, कमी होगी। भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, कमी होगी।